हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महावीर स्ट्रक्चर में। गाइज, हमारे चैनल का उद्देश्य आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड जानकारी को शेयर करना है, ताकि इस फील्ड से रिलेटेड आसपास हो रहे काम को आप अच्छे से समझ सकें, जान सकें। आज हम बात कर रहे हैं पटना में पुनपुन नदी के ऊपर बन रहे स्कूल के बारे में। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। यहाँ पर अभी पुल के लिए वेल फाउंडेशन बनाया जा रहा है, जो एक प्रकार का डीप फाउंडेशन है। यहाँ पर फाउंडेशन का निर्माण काम चल रहा है, जिसके लिए अभी खुदाई का काम हो रहा है, और इस खुदाई के प्रोसेस को ड्रेजिंग कहते हैं। इस साइड नदी में चारा और वेल फाउंडेशन बन रहे हैं, जिनके गहराई नदी के बेड यानी नदी के मिट्टी के लेवल से 30 मीटर डीप जाना है। और ये जो कंक्रीट का गोल कुआं बनाया जा रहा है, इसे स्टेनिंग कहते हैं, जो कैसम का काम करता है, यानी नदी के पानी को फाउंडेशन के अंदर आने से रोकता है। और जिस मशीन से इसकी खुदाई का काम चल रहा है, उसे ग्रैब ड्रेजर्स मशीन कहते हैं, जिसके आगे ग्रेवर्स लगा होता है। और ये खुदाई में हो रहे गड्ढे को ड्रैग होल कहते हैं। धीरे धीरे खुदाई होता जाएगा, और साथ ही साथ ये कंक्रीट का गोल स्ट्रक्चर, गोल स्टेनिंग, ये नीचे जाता जाएगा। ऊपर ये जो कंक्रीट का ब्लॉक रखा गया है, ये जो ये सर्कुलर स्टेनिंग में बैलेंस बनाने में मदद करता है, ताकि स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और धीरे धीरे ये नीचे जाता रहे। इस स्टेनिंग का, इस गोल कुएँ का डाया 4 मीटर है, और थिकनेस दीवार की मोटाई 0.8 मीटर है। और इस साइड में नदी में चार और वेल फाउंडेशन बन रहे हैं, जिसमें दो का पियर कंप्लीट हो चुका है, यानी पाया कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक पियर का आर्म यानी बांह, जिसे पियर कैप कहते हैं, बनकर रेडी है। तीसरे पियर के लिए स्टील बाइंडिंग यानी लोहे बांधने का काम चल रहा है। और चौथे फाउंडेशन के लिए गोल स्टेनिंग को अभी 30 मीटर और डीप जाना है। धीरे धीरे ये गोल स्टेनिंग सिंक होने वाला है, यानी नीचे जाने वाला है, इसे सिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। जो स्टेनिंग जो गोल स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, और इसी प्रोसेस को सिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। देखिए, ये ग्रेवर्स जो है, ड्रैग होल से मिट्टी काट कर ला रहा है, और ग्रैब ड्रेजर्स मशीन इसे पास के खाली स्थान में डिस्पोज करने वाला है। फाउंडेशन बनाने से पहले मिट्टी की क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है, ताकि ये पता चल सके कि ये कितना लोड सह सकता है, और उसके अनुसार ही फाउंडेशन की गहराई यानी डेप्थ तय की जाती है। ये भी ये जो पुल है, ये पटना गया डोभी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। और सो गाइज, कंस्ट्रक्शन से जुड़े और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।